नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर देते हैं आज की सुर्खियों पर। राजधानी पटना की हवा हुई खराब, प्रदूषित शहरों की लिस्ट में इतने नंबर पर। मौसम विभाग का 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी। अब गांव में लगे मोबाइल टावर से टैक्स लेगी सरकार। यातायात को दुरुस्त करने के लिए यह है मास्टर प्लान। पंचायत चुनाव में अभी और लगेगा वक्त, यह है देरी की वजह। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में होगी एक महीने की देरी। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर है। बावजूद इसके अभी चुनाव में महीने भर का वक्त और लगने वाला है। खबर के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता है। यह देरी ईवीएम खरीद को लेकर हो रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की ईवीएम खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से NOC मांग रहा है, जो कि अभी तक नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि फरवरी के अंत तक ही तारीखों का ऐलान किया जाना था, मगर अब तक ईवीएम की खरीद नहीं हो सकी है, लिहाजा तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। आयोग की माने तो NOC ना मिलने की वजह से अभी एक महीने का और वक्त लग सकता है। ITI लिमिटेड रायबरेली ने निकाली रिक्तियां। ITI लिमिटेड रायबरेली ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के 40 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन की मांग की है। इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2021 तक है। वही अभ्यर्थी ITI की वेबसाइट ITILTD.IN पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट के जरिए ITI रायबरेली के पते पर 26 मार्च 2021 तक भेजना होगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आज गैबीनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के खास मौके पर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज के आज गैबीनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान भक्तगण आज गैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर शिवलिंग में पूजा अर्चना के लिए लंबी कतार लगाने शुरू कर दिए। वहीं कोरोना काल में लोगों की भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर सहित गंगा घाट और चौक चौराहों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मनोकामना सिद्धि के लिए कई भक्तों ने उपवास करते हुए यहां पूजा पाठ किया। वहीं आज रात में शिव बारात निकालने को लेकर मंदिर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि कोरोना की महामारी को देखते हुए इस बार सादगी से और कम झांकियां निकालने का आदेश प्रशासन ने दिया है। बिहार के 22 IPS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। राज्य के 22 IPS अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। वहीं इसके तहत बिहार के 2 सीनियर IPS अधिकारियों को प्रमोट कर IG बनाया गया है। इसके तहत प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार कैडर के 2001 बैच के 13 IPS अधिकारी शालीन और 1998 बैच के सीनियर अफसर अमृत राज को IG और इनके समकक्ष लेवल पर प्रमोशन दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार कैडर के IPS अफसर शालीन 2008 से 2014 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा दस्ता SPG में रह चुके हैं। इस दौरान वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और PM नरेंद्र मोदी के आंतरिक सुरक्षा घेरे के इंचार्ज थे। इसके अलावा IPS अफसर शालीन की पहचान पटना के ट्रैफिक अभियान को दुरुस्त करने वाले अधिकारी के रूप में भी होती थी। BPSC न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। BPSC ने 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक परीक्षा का आयोजन 8 अप्रैल 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक 2 शिफ्टों में किया जाएगा। पहले शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड 25 मार्च से www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 6 दिसंबर 2020 को राज्य के 6 जिलों में किया गया था। इस परीक्षा में कुल 15,360 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 2,379 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जबरन किया गया रिटायर्ड। बिहार सरकार के लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को अब बचकर रहना होगा, वरना उनसे जबरन VRS यानी कि रिटायरमेंट मांगा जा सकता है। इस सख्ती के तहत पटना कलेक्ट्रेट के 11 कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के कारण जबरन रिटायरमेंट की सजा मिली है। दरअसल ये सभी 11 कर्मचारी पटना DM के द्वारा पिछले 2 महीने में 2 बार किए गए औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए थे। आपको बता दें कि मार्च माह से कार्यालय खुलने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि DM के निरीक्षण के दौरान 10 बजे तक ये कर्मचारी कार्यालय नहीं आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग ने 50 से अधिक उम्र वाले अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन कर 2 कार्यपालक अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इन दोनों ही इंजीनियरों के काम का प्रदर्शन काफी खराब था, लिहाजा 3 महीने के वेतन के साथ इन्हें VRS दे दिया गया।
पटना बना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। राजधानी पटना की हवा सेहत के लिए खराब हो चुकी है, क्योंकि प्रदूषित हवा वाले शहरों की सूची में यह दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गई। बुधवार को यहां प्रदूषण सूचकांक 286 हो गया। इसके साथ ही पटना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित और बिहार का पहला सबसे प्रदूषित शहर बन गया। आपको बता दें कि इस क्रम में पहले स्थान पर गुजरात का वातवा शहर 321 सूचकांक और नंबर दो पर लखनऊ शहर 297 सूचकांक के साथ है। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ी सुधार देखने को मिली है, जिसका सूचकांक 177 आंका गया है। आपको बता दें कि तापमान में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी पटना की हवा में PM10 और PM2.5 यानी कि मोटे और महीन धूलकण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगले 48 घंटे सूबे में मिलेगी गर्मी से राहत। बिहार में पुरवैया हवा बहने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण पिछले कुछ दिनों में मौसम गर्म रहा। इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रति चक्रवात बनने के कारण राज्य में नमी बढ़ती जा रही है और आर्द्रता का प्रतिशत बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वजह से राज्य में तेज गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसमविदों के मुताबिक 12 और 13 मार्च को तेज बारिश होगी। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी के साथ आंशिक बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं बढ़ते तापमान ने लोगों को अभी से ही हलकांश कर दिया है। बुधवार को पटना में अधिकतम पारा 34.4 डिग्री पहुंच गया, जो पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक है। इसके साथ ही राज्य के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। गांव में लगने वाले मोबाइल टावरों से टैक्स वसूली करेगी सरकार। शहरों की तर्ज पर गांव को भी स्मार्ट बनाने के लिए बिहार सरकार के पंचायती विभाग ने कई घोषणा की है। इसके तहत सरकार गांव में वाणिज्यिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का विचार कर रही है। इसके तहत खासकर गांव में जो मोबाइल टावर लगाए जाएंगे उनसे टैक्स वसूला जाजाएगा और इन टैक्स की राशि को गांव के विकास मद में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा विभाग शहरों की तर्ज पर गांव में भी सम्राट अशोक भवन बनाएगी। इस भवन का उपयोग लोग शादी ब्याह में काम में कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी पंचायतों में RTPS काउंटर खोले जाएंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा अपने गांव में हो जाए। यातायात दबाव को कम करने के लिए तैयार है सरकार का मास्टर प्लान। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग 4 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना तक पहुंचने के लिए दीर्घकालीन पथ मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत आने वाले 15 सालों में यातायात दबाव को देखते हुए अभी से ही काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के हर जिला मुख्यालय को 4-लेन सड़क से और हर अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय को 2-लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। वहीं फिलहाल बिहार सरकार 5 घंटे में पटना आने की योजना पर काम कर रही है, जिसके अनुसार 120 बाईपास के अलावा जरूरत के अनुसार एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, रेलवे और रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। राजधानी पटना के फुटपाथ दुकानदारों के लिए सरकार कर रही है अच्छी पहल। बिहार सरकार पटना के छोटे छोटे फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें जगह उपलब्ध कराएगी। इस बात की जानकारी देते हुए डिप्टी CM सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि पटना नगर निगम की तरफ से 34 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद 13 वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य चिन्हित स्थल पर पूरा कर लिया गया है, जबकि 2 वेंडिंग जोन अभी बन रहे हैं। इसके तहत फुटपाथ पर छोटे दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण से मुक्ति भी मिल जाएगी, साथ ही दुकानदारों को सामान बिक्री के लिए एक निश्चित जगह भी मिल जाएगी। गिरिराज सिंह को BJP स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं किया गया शामिल। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और BJP ने अपने 40 नेताओं के स्टार प्रचारक के तौर पर लिस्ट जारी कर दी है, मगर इस लिस्ट में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले और अपने बयान से सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार के बेगूसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह को स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा गया है। वहीं इस क्रम में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल देर रात पटना पहुंचे, जहां इस संबंध में मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, मगर गिरिराज सिंह किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से निकल गए। आपको बता दें कि BJP के स्टार प्रचारक की लिस्ट में बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और BJP सांसद मनोज तिवारी का नाम शामिल है। मंत्री के घर से शराब मिलने पर घिरी नीतीश सरकार। बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून लागू करने के बावजूद भी सरकार के ही एक मंत्री के घर से शराब मिलने के सवाल पर नीतीश कुमार निशाने पर आ गए हैं। इस क्रम में विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मंत्री राम सूरत राय के घर से शराब बरामद किया गया था, जिस पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने इस संबंध में सरकार से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से बचाव करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मंत्री पर लगे आरोप गलत है। शराब घर में नहीं बल्कि स्कूल में पाए गए, जो कि उनके पिता के नाम पर है, जिसकी जांच करने का आदेश दिया गया है। ऋषभ पंत के फॉर्म में आने की वजह बताई रोहित शर्मा ने। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में ऋषभ पंत के फॉर्म में आने को लेकर रोहित शर्मा ने जमकर तारीफ की है। रोहित ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों को पंत पर पूरा भरोसा है। रोहित ने सबसे अपील की कि पंत को पंत बनकर खेलने दे और उस पर किसी तरह की अपेक्षाओं का भार ना डाले। रोहित ने कहा कि पंत के खेल की अच्छी बात यह है कि अब वह खेल की परिस्थिति को समझने लगे हैं। विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के साथ उसका
अप्रोच भी अच्छा दिख रहा है। आपको बता दें कि पंत की T20 टीम में वापसी हुई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी दम पर उनकी T20 टीम में वापसी हुई है। फिल्म रूही में आखिरी बार आएगा दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान का नाम। सुशांत सिंह आत्महत्या केस के बाद एक बार फिर से दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान का नाम चर्चा में बन गया है और इस बार वजह फिल्म रूही है। दरअसल जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म रूही आज रिलीज हो गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आखिरी फिल्म होगी जिसमें दिशा सालियान का नाम नजर आएगा। बता दें कि दिशा सालियान एक वक्त पर वरुण शर्मा की मैनेजर हुआ करती थी। ऐसे में फिल्म के आखिर में क्रेडिट्स में वरुण की दिवंगत मैनेजर के रूप में दिशा सालियान का नाम दिखेगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मौत से कुछ दिन पहले ही दिशा ने भी आत्महत्या की थी, जिसके बाद उनके केस को सुशांत के केस से जोड़ा जा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार चुनाव में स्टार प्रचारकों की भूमिका चुनाव को जिताने में किस हद तक सफल साबित होती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।